टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में भी लड़कियों में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेलकूद का मैदान। मुंब्रा का नाम यहाँ की लड़कियाँ रोशन किया करती हैं। इसी तरह से मुंब्रा की रहने वाली जरीन इम्तियाज डोंगरे, जिसने मार्शल आर्ट में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। जरीन डोंगरे ने मुंब्रा के मिन्नत विक्रोजन में मार्शल आर्ट सीखा है और इनके जो कोच है उनका नाम है सुमैया शेख। साथ में आपको बता दें कि एक और शख्स हैं जो मास्टर अशरफ अली खान, जिनका नाम है। आज सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जरीन डोंगरे को सम्मानित भी किया गया है। मुंब्रा कौसा के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि जहां लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट जरीन डोंगरे से हमने बातचीत की है और साथ में जो कोच हैं सुमैया शेख और इसके अलावा मास्टर अशरफ अली से भी बातचीत की है। सुन, आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा गोल्ड मेडल मेरे को एमएमए मार्शल आर्ट्स के फाइट में मिला है, जिसका पूरा क्रेडिट मेरे मास्टर को जाता है, सुमैया शेख को। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग करवाए, हम लोग लास्ट 7 मंथ से ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे को मॉर्निंग में भी ट्रेन करते थे और रात में भी ट्रेन करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइट। हम लोग ने एक्चुअली बहुत मेहनत की है और फाइनली इसका क्रेडिट हम लोग को भी मिल रहा है। फर्स्ट फाइट थी मेरी, इंशाल्लाह आगे भी इसके बाद आगे फाइट्स होंगी मेरी और इंशाल्लाह आगे भी चल के बहुत सारे गोल्ड मेडल्स लेके आएंगे। देखिए, मार्शल आर्ट्स का बेसिस ये है कि सेल्फ डिफेंस। इंसान को सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स सिखाया जाता है, फाइट करने के लिए नहीं है मार्शल आर्ट्स। इसमें अलग अलग टेक्निक, सिर्फ बॉक्सिंग या कराटे सिर्फ टेक्निक नहीं है, इसमें अलग अलग टेक्निक्स का मिला के आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया जाता है, जो आज की जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो आई थिंक के सबको एक्चुअली सीखना चाहिए, सब लड़कियों को सीखना चाहिए मार्शल आर्ट्स का। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान को फाइट के लिए या कुछ, हर दिन डेली बेसिस पे ना एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है मार्शल आर्ट सीखने के बाद में, और वो सीखने के लिए मेरे को लगता है कि हर लड़की को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। आई एम सुमैया शेख, मैं जरीन इम्तियाज के कोच हूँ। ऐसे ही इनकी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं, लेडीज़ स्टूडेंट्स, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े, काफ़ी लेडीज़ मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं। मैं मिन्नत विगौर जिम में ट्रेनिंग देती हूँ, वहाँ पर काफ़ी लेडीज़ वेट लॉस की ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। एंड इनका ट्रेनिंग मैंने बिफोर 6 मंथ स्टार्ट किया था। ये पहले जिम में वेट लॉस के लिए आए थे, फिर उसके बाद इनको मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखना स्टार्ट किया। एंड ये इनका फर्स्ट फाइट था नेशनल लेवल में, IHFF का इवेंट था गोरेगांव में, वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किए। इनका फर्स्ट फाइट था और इन्होंने नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल हासिल किए। और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए जैसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि एवरी गर्ल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी। हर लड़की अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद ज़िम्मेदार है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब किसी लड़की के साथ कोई हादसा होता है तो उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनके कोई भाई नहीं होते हैं साथ में, उनके फादर साथ में नहीं होते। वो गर्ल्स को खुद इतना ट्रेन करना चाहिए हमारे मुंब्रा में ही नहीं, मैं सारे वर्ल्ड वाइड बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स को इतना ट्रेन करना चाहिए वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि दे कैन बियर एनीथिंग एंड दे कैन कम आउट फ्रॉम एनी सिचुएशन। वो विक्टिम ना बने, वो अपने सेफ्टी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। इतनी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है मुंब्रा से जी, मेरे क्लास से मुंब्रा में 4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें से जरीन को गोल्ड मेडल मिला है, बाकी 3 बच्चियों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सारे बच्चों का फर्स्ट फाइट था, ये फर्स्ट फाइट के हिसाब से परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेड नहीं था गोल्ड मेडल जस्ट बिकॉज इन्होंने डायरेक्टली नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है, बट माशाल्लाह इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल पे। यस यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है मुंब्रा में। एक्चुअली जो जिम है मेरा मिन्नत विगौर जिम, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है वहाँ पे ट्रेनिंग देना। बाकी स्टूडेंट्स छोटे बच्चे थे पहले, मैंने मेस्को स्कूल में मुंब्रा में, मैं 12+ ईयर्स से ट्रेनिंग दे रही हूँ मुंब्रा में,
बट अभी जो बच्चे MMA में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टूडेंट थे मेरे यहाँ से। मेरा नाम मास्टर अशरफ अली घनसार, मैं सुमैया का इंस्ट्रक्टर हूँ और पिछले 37 ईयर्स से मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपके साथ में ये पूरी टीम है और भी बच्चे हैं, तो इनको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? डेडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका, वो डेडिकेशन के वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और टैलेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ की लड़कियों में, लड़कों में, बच्चों में टैलेंट बहुत है, और एनर्जी जो है उसको सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करना ज़रूरी है। तो उस डायरेक्शन में सुमैया जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड शी इज़ ब्रिंगिंग, इन बच्चों को लेकर आ रही हैं आगे उनका टैलेंट बाहर निकालने में। और इस बार तो छोटी टीम लेकर गए थे, नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर ज़्यादा बच्चों को ले जाएंगे और इससे बड़ा इवेंट होगा। हाँ, तो ये नेशनल MMA एमेच्योर फाइटिंग चैम्पियनशिप थी, तो और भी चैम्पियनशिप्स होती है जहाँ पर हम यहाँ से बच्चे ले जाएंगे। और इससे पहले भी मैं तो यहाँ पर मुमरा में 80s से हूँ और मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैम्पियंस काफ़ी क्रिएट किए हैं। तो और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है और भी ज़्यादा चैम्पियंस आएंगे इंशाल्लाह। सर, एजुकेशन के साथ लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए, उसको ले क्या क्या है? स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, लेकिन अगर मैं मार्शल आर्ट्स की बात करूं तो मार्शल आर्ट्स एक, उसके अंदर स्पोर्ट वाला एस्पेक्ट होने के साथ साथ ये बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, डिसिप्लिन देता है। और मैं तो समझूंगा कि ये कंपलसरी हो जाना चाहिए स्कूलों के अंदर। जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर जैसे आप 10th तक पहुँचते तो आपको एक किसी भी एक सिस्टम में ब्लैक बेल्ट होना ज़रूरी है और उसके बाद 2 साल आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से कुछ अगर हमारी कंट्री में हो तो डिसिप्लिन भी आएगा बच्चों में, देशभक्ति भी आएगी और उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सर, लड़कियों में एक माइंड रहता है कि वो सिर्फ एजुकेशन से ज़्यादा ध्यान देती है और खेलों पर नहीं देती। खेल भी एजुकेशन है, खेल जो है, जैसे पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो एक मेंटालिटी अलग थी, लेकिन खेल खुद एक एजुकेशन है, एक साइंस है। इसके ऊपर वक्त देना पड़ता है, इसको स्टडी करना पड़ता है, डेडिकेशन लगता है, तो इसको बैलेंस में लेकिन लेकर चलना ज़रूरी है। मैं कहूँगा अकेडमिक स्टडीज़ और स्पोर्ट्स स्टडीज़, ये दोनों को बैलेंस में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। सर,